हेलो एवरीवन, नमस्कार. हेलो 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 एवरीवन. थैंक यू सो मेनी पीपल फॉर जॉइनिंग इन. आई जस्ट थॉट के बिकॉज टुडे आई एम फीलिंग बेटर, आई शुड जस्ट से हेलो टू एवरीबडी एंड एक अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर कर लूँ तो यू नो लोगों को थोड़ी एक तो तसल्ली मिलेगी और दूसरी बात I don't know if a lot of people have clarified के क्या होता है जब आपको COVID-19 positive हो जाते हो. So I just thought that few things maybe from my side I'd like to share with you all. This is my sixth day here in the hospital in Rishikesh at AIIMS. I must say के physically इतना बुरा नहीं लगता है जितना मेंटली यू नो खराब लगता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट. तो माय मदर इन लॉ वाज नॉट फीलिंग वेल, उन्हें फीवर हो गया था एंड जब फीवर हुआ ऑब्वियसली हम सब वरिड थे. एंड नेक्स्ट डे देन आई स्टार्टेड फीलिंग अनवेल. मुझे बहुत बॉडी एक हो रहा था, फटीग हो रहा था एंड आई मीन देन ऑब्वियसली एवरीवन गॉट वरिड. फिर हमने एक फर्स्ट टेस्ट करवाया एंड उस फर्स्ट टेस्ट में नेगेटिव आया. सो आई थिंक वी थॉट के इट इज़ प्रोबेबली बिकॉज ऑफ वेदर चेंज या ये वो. सो दैट इज द रीज़न वाई वी थॉट के वी वर फ्री ऑफ कोविड एंड वी गॉट रिलैक्स्ड. बट वी डिडंट गेट रिलैक्स्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज माई मदर इन लॉज फीवर वॉज स्टिल इंक्रीजिंग. सो बिकॉज उनका फीवर मतलब पैरासिटामॉल खाने के बाद भी इंक्रीज हो रहा था तो हमें लगा कि मे बी यू नेवर नो यू नो दैट शी इज गॉट इट. तो हमने एक और टेस्ट करवाया और वो सेकेंड टेस्ट जो करवाया उसमें फिर हमें पता चला that she is positive. फिर उसके बाद फिर सारी फैमिली का टेस्टिंग हुई एंड देन लॉट ऑफ पीपल केम पॉजिटिव एंड ये हमें काफ़ी शॉकिंग लगा था. बट ऑफकोर्स मेंटली इट वॉज अ वेरी डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस. बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द टेस्ट बिकॉज ऑब्वियसली मतलब ये हमारे घर में ही फैला, हमारे वजह से बाहर तो फैला नहीं. बट यू नो थैंकफुली के हमारे घर के और जो मेंबर्स हैं उनमें नहीं फैला और हमने ये चेन को ब्रेक कर दिया. सो दैट इज वन थिंग आईड रियली लाइक टू से. हाँ, फिर मैं बताती हूँ क्या हुआ. देन वी टेस्टेड पॉजिटिव देन दे टुक अस टू अ क्वारंटीन सेंटर. आई एम सॉरी आई एम गेटिंग इट रॉन्ग. जब हमारा टेस्ट हुआ तब हम ऑलरेडी क्वारंटीन सेंटर में चले गए थे बिकॉज माई मदर इन लॉ वॉज ऑलरेडी टेस्टेड पॉजिटिव एंड फिर हम वी वर वेटिंग फॉर आर रिपोर्ट्स. देन आर रिपोर्ट्स केम इन. व्हेन रिपोर्ट्स केम इन वी वर पॉजिटिव. देन वी वर शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल. एवरी वन ऑफ अस वॉज शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल. नाउ वाई आई रियली वॉन्ट टू टेल एवरीबडी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको फीवर हो रहा है या आप जेन्युइनली बहुत सिक फील कर रहे हो या थोड़ा सा भी सिक फील कर रहे हो तो इट इज़ बेस्ट टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम एंड वरीइंग अबाउट इट. तो बेसिकली हमने वो चीज़ करी कि हमने टेस्ट करा लिया बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक द चेन दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. अच्छा, दूसरी ये बात है कि आपको कोविड हो जाता है तो Trust me, it is not that lethal. क्योंकि definitely I had symptoms, my mother-in-law had symptoms, but it doesn't mean कि it's going to destroy your life. And at the same time, on the flip side, you have to break the chain because it affects old people a lot. It affects people who have कोई बीमारी पहले से, कोई serious बीमारी पहले से अगर है तो it really, really affects you. हम hospital में हैं and there are a lot of people who have been here for a long time क्योंकि उनका
पॉजिटिव से नेगेटिव हो ही नहीं रहा है. वैसे फिलहाल हमारा भी सिक्स डे हो गया है, हमारा भी पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो रहा है एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू यू नो बिकम नेगेटिव, एस्पेशली बिकॉज वी वरी अबाउट आर पेरेंट्स एंड सुयजी'ज पेरेंट्स एंड आर नेफ्यू, ही इज़ 5 years old. सो ऑब्वियसली वी वरी फॉर देम कि जितना जल्दी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए तो बेटर है. प्लीज डोंट बी स्केर्ड, इट्स मोर देन एनीथिंग, इट्स मेंटली वेरी वेरी स्कैरी. आई थिंक यू नो टू नो दैट यू हैव द वायरस इन साइड यू इज नॉट अ वेरी गुड फीलिंग, इट्स अ वेरी बैड फीलिंग, स्पेशली बिकॉज हमने इतना सुन लिया है इसके बारे में, इतना सोच लिया है इसके बारे में, इतने भयभीत हो गए हम इस चीज़ के बारे में दैट दैट यू नो मेंटली इट गेट्स टू यू. ओके, आई थिंक समबडी इज आस्किंग मी समथिंग. आई वॉज नॉट गोइंग टू टेक क्वेश्चन क्योंकि मुझे बहुत बोलना है. आई मस्ट से कि टुडे आई एम फीलिंग गुड. आई थिंक रोज कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लाइक इट वॉज प्लेइंग ऑन माई हेड, बट मेरी सर्दी और खांसी भी थोड़ी कम हो गई है. कल आई थिंक कल जब मैं सोई तो आई मेड अप इन माई हेड दैट यू नो एटलीस्ट मैं मेंटली अपने आप को खुश रखूंगी, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ मेंटली वेरी वेरी पॉजिटिव टू मेक द वायरस गो नेगेटिव. वेरी चीजी बट या अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू से इज एज सच कोई ट्रीटमेंट आई वुड से नहीं हो रहा है, बट येस यू हैव टू, देर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर इट, बट येस ऑल यू कैन डू इज़ यू कैन मेक योर बॉडी इज वेरी 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 स्ट्रांग. एनी वेज आई फील के इंडियंस यू नो वैसे भी हमारी डाइट बहुत अच्छी है, एक वेजिटेरियन डाइट है, एक डाइट इंडियंस की है जिसमें बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, तो बॉडी में देयर इज गर्मी. सो प्लस वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ, जब से लोगों ने सुना है इसके बारे में सब लोग बहुत सारा काढ़ा पी रहे हैं एंड यू नो सो दीज थिंग्स लाइक गिलोई हल्दी एंड ऑल दीज थिंग्स दे रियली रियली वर्क टू मेक योर बॉडी स्ट्रोंगर टू फाइट अगेंस्ट ऑल दीज वायरसेज एंड बैक्टीरिया एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई जेन्युइनली फील इंडियंस वर प्रिटी एनी वेज रेडी टू फाइट वायरसेज एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हमारी इंडियंस की इम्यूनिटी लाइक एंड द काइंड ऑफ फूड वी ईट एंड एवरी थिंग बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ वेजिटेबल्स विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग आई'ड लाइक टू से के प्लीज़ नेगेटिव न्यूज़ से मत डरिए. प्लस लोगों के यू नो इनसेंसिटिविटी से मत डरिए के ऑफकोर्स बिकॉज वी आर नोन एंड ऑल दैट यू नो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ भी निकल आती है, बट प्लीज़ डोंट फॉल प्रे फॉर दैट, प्रे टू दैट and go out there and get yourself tested if required. So another thing I would like to say is ke humne is cheez ke bare mein zyada baat nahi kari, but well my family has a sanstha called Manav Dharm. It's called so it is something where everyone gets together and does a lot of गुड वर्क फॉर द सोसाइटी एंड इस चीज़ के बारे में मैंने पहले बात नहीं की है, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क बींग डन बाय द संस्था एंड अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन बाय द संस्था एंड विच इज़ बींग लेड बाय माई फादर इन लॉ एंड वी आर गोइंग टू बी आई एम गोइंग टू बी अपलोडिंग अ वीडियो एंड like right now just now after this live and I'd like everyone to see that video. Please jaake acche kaam karne se mat dariye. Hum ise promote nahi kar rahe the, but I think it's important ke jo kaam kiya ja raha hai
वो हम अगर दिखाए लोगों को तो लोगों को समझ आए कि इवन दो देर वर सो मेनी डेंजर्स एंड ऑल ऑफ दैट, पीपल फ्रॉम आर संस्था एंड माई फादर इन लॉ वर टेकिंग नंबर ऑफ प्रिकॉशंस एंड गोइंग आउट देर एंड डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, फॉर पीपल स्टक, फॉर पीपल हंग्री. एंड आई थिंक के हमें वो काम दिखाना चाहिए. एंड आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू प्लीज गो आउट देयर एंड सी द वीडियो दैट आई एम गोइंग टू बी पोस्टिंग राइट नाउ, बिकॉज नेगेटिव न्यूज शुड नॉट दबाउ द पॉजिटिव वर्क दैट हैज बीन डन. एंड अनदर थिंग आई'd लाइक टू से के थैंक यू, बहुत सारे बहुत 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 सारे मैसेजेस एंड कॉल्स एंड सो मेनी फ्रेंड्स हैव रीच्ड आउट एंड यू नो आई फील रियली ब्लेस्ड एंड थैंक यू एवरीबडी. बट देर इज अ लॉट ऑफ पीपल हंग्री आउट देर, देर इज अ लॉट ऑफ पीपल सफरिंग आउट देर एंड नॉट डायरेक्टली ड्यू टू कोरोना वायरस बट ड्यू टू other factors. So please I hope this video motivates y'all also to you know take n number of precautions but still go out there and help people out, because it is the need of the hour and it is required, and we have to lead by example, we have to show. Dekho ek cheez main na bahut sun rahi hu is waqt is ki ye is dauran na humanity is something which is lost and I don't want it to be lost. So and not only me, of course all of you sitting over there don't want it to be lost. So please watch this video. I hope it inspires you to go out there and do good work, but at the same time take all the precautions that you're supposed to take, because hame ye elders aur un logo mein nahi phailana hai jinko already bahut sari bimariyan hain. Yes, I tested positive of COVID-19 and I am fine. My family is fine. We have fought it. We are still fighting it. We are still positive. And with your prayers, I think ye bahut jald positive se negative ho jayega. I'm really, really hoping it happens fast, especially for my family.